वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक नई आशा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने संज्ञा के तीन भेद किए थे। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन, जातिवाचक यानी कॉमन नाउन और भाववाचक यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंग्लिश ग्रामर में नाउन के पांच भेद होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। इसकी वजह से हिंदी ग्रामर में भी दो और भेद आ गए हैं, लेकिन वो जातिवाचक संज्ञा के ही दो भेद कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन और द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन। अब इनको हम भली भांति समझेंगे। यदि आपको पहले वाले तीनों समझने हैं तो पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इन दो संज्ञाओं को भली भांति उदाहरणों सहित समझेंगे। जैसे पहले मैंने लिया समुदाय वाचक संज्ञा, इसे समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं, यानी कलेक्टिव नाउन। इसकी क्या परिभाषा है? जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी समूह या समुदाय का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कक्षा, दल, टोली, जत्था, गिरोह, मंडली, भीड़, ढेर, गड्डी, गुच्छा, टुकड़ी, पार्टी। तो इस प्रकार से ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब हम इनका वाक्य में प्रयोग करना सीखेंगे। जैसे नेताजी का भाषण सुनने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। अगला लेते हैं दल। खिलाड़ियों का दल मैदान में उतर चुका है। अगला हम लेते हैं मंडली। घर में भजन मंडली आई हुई है। सभा, सभा में नेताजी भाषण दे रहे हैं। अगला क्या है? माताजी ने बेटी को चाबियों का गुच्छा पकड़ाया। पिताजी माताजी के लिए फूलों का गुलदस्ता लाए। माँ बाजार से अंगूरों का गुच्छा लाई। तो इस प्रकार से यदि आप वाक्य बनाएंगे तो आपके लिए समूहवाचक संज्ञा याद करना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल। अब हम अगला लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की क्या परिभाषा है? जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी पदार्थ का द्रव्य का पता चलता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, पेट्रोल, दूध, लस्सी, शरबत, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, दूध, दही, पनीर, आटा, चीनी, चावल, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक के अब हम वाक्य प्रयोग करके देखेंगे। जैसे माताजी ने दूध गरम किया, बहन ने पनीर की सब्जी बनाई, पिताजी माताजी के लिए सोने का हार लाए, माताजी ने चाय पी। तो ये क्या हो गए? ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो इस प्रकार से यदि आप द्रव्यवाचक संज्ञा की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए द्रव्यवाचक याद करना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल और सहज बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। और आपको ग्रामर में और कौन कौन से टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक मत कीजिए, आप मेरे वीडियो पे कमेंट मत कीजिए, लेकिन शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए मत शर्माइए। धन्यवाद।